हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस वीक का स्मैकडाउन का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि अब समर स्लैम का पेपर व्यू काफी ज्यादा करीब आते हुए जा रहा है एंड WWE ने इस स्मैकडाउन के लिए अभी से कई सारी बड़ी थिंग ऑफिशियल कर दी है। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। एंड साथ ही साथ मेरे पास WWE से रिलेटेड और दो अपडेट है, जैसे कि डोमिनिक वर्सेस सेथ रॉलिंस के समर स्लैम मैच में बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग कौन जीतने वाला है। इसके अलावा रोमन रेंस के AEW सुपरस्टार के साथ करना चाहते थे काम। तो गाइस, इन सब अपडेट्स हम सबसे पहले स्मैकडाउन से जुड़ी अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैच जिसे WWE ने इस वीक के स्मैकडाउन के लिए ऑफिशियल कर दिया है, वो है जेफ हार्डी वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच। तो जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में जेफ हार्डी को इंटरप्ट किया था किंग कॉर्बिन ने, उसके बाद वहां पर मैट की शॉर्टेजी एंड मैट रिडल की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है और इस मैच का हमें शायद से कोई भी क्लियर रिजल्ट निकलते हुए नहीं दिखने वाला है। जिसके बाद जो अगला मैच WWE ने ऑफिशियल कर दिया है वो है मैट रिडल का मैच, जहां पर वो हमें फेस करते हुए दिखेंगे और किसी को नहीं बल्कि शेमस को। अब इस मैच को करवाने का ज्यादा फिर बड़ा लॉस होने वाला है, बट हो सकता है यहां पर हमें किंग कॉर्बिन या फिर शॉर्टी जी की इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए। जिसके बाद जो WWE ने नेक्स्ट थिंग ऑफिशियल कर दिए वो है डिडर्ट सेट यानी कि मिज एंड मॉरिसन का शो, जहां पर हमें स्पेशल गेस्ट रहते हुए दिखेगी और कोई नहीं बल्कि सोनिया डेविल। और आप सब जानते हैं लास्ट वीक के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ था। सोनिया डेविल ने मैंडी रोज की हेयर कट कर दी थी जब वो ओटिस के साथ अपना प्लान बना रही थी। एंड ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही है कि सोनिया डेविल वर्सेस मैंडी रोज के बीच WWE समर स्लैम के पेपर व्यू में हेयर वर्सेस हिख सकती है। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग के बारे में जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया इस वीक के स्मैकडाउन के लिए, तो वो है ब्रे वाइट से रिलेटेड की एलेक्सा ब्लिस पर अटैक करने के बाद वो वापस चले गए फायरफ्लाई फन हाउस, यानी कि इस वीक के स्मैकडाउन में उनका हमें फायरफ्लाई फन हाउस का एपिसोड देखने को मिलेगा। और ब्रॉन स्ट्रोमन हमें अभी तक एक्सट्रीम रूल्स के बाद स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को नहीं मिले और WWE ऐसा दिखा रही है कि ब्रॉन स्ट्रोमन स्वाम्प के अंदर फंसे हुए। तो अगर ब्रॉन स्ट्रोमन इस वीक के स्मैकडाउन में अपना रिटर्न करते देन हो सकता है उनकी तरफ से हमें पूरी तबाही मचते हुए दिखे, जैसा कि उनका मॉन्स्टर ला रूप हमेशा से रहता है और वो रिटर्न आकर ब्रे वाइट को ढूंढने की या फिर क्या पता उन पर हमें अटैक भी करते हुए दिखे, क्योंकि उन्होंने उनके फ्रेंड एलेक्सा ब्लिस पर अटैक किया था इसलिए लड़ते हुए दिखे, या फिर उनके साथ हमें उनका एक सिंगल्स मैच देखने को मिले। तो ये तो हो गई स्मैकडाउन से जुड़ी अपडेट। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है समर स्लैम में होने वाले सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक के मैच के बैटिंग ऑर्डर से। तो इस मैच के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है एंड सभी यही जानना चाहते हैं कि यहां पर जीत किसकी होगी। एंड बैटिंग ऑर्डर इस मैच का निकल कर आ चुका है जिसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स रहते हैं। तो बैटिंग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डोमिनिक हराने वाले सेथ रॉलिंस को, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर वो क्लियर हरा देते सेथ रॉलिंस को देन ये काफी बड़ी शॉकिंग थिंग होने वाली, क्योंकि सेथ रॉलिंस कोई छोटे मोटे सुपरस्टार है नहीं और इस मैच में काफी बड़ी शॉकिंग थिंग हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं देन आप मेरी इससे पिछले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर डोमिनिक किस तरह हराने वाले सेथ रॉलिंस को। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी थी बिग डॉग रोमन रेंस से, कि आखिरकार वो किस AEW सुपरस्टार के साथ करना चाहते थे काम। तो गाइस, वो कोई और नहीं, वो है FTR जिन्हें आप काफी अच्छी तरह से रिवाइवल के नाम से जानते हैं। तो रिवाइवल ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने कई सारी थिंग रिवील की। सबसे पहले तो उन्होंने ये रिवील किया कि अगर रैंडी ऑर्टन के साथ वो टीम नहीं बनाते जो कि था FTR के, देन वो WWE कब का छोड़ देते। जिसके बाद उन्होंने रोमन रेंस के बारे में बात करते हुए कहा कि रोमन रेंस हमारे साथ यानी कि रिवाइवल के साथ फ्यूड करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो विंस मैकमैन के पास गए ये चीज बताने के लिए एंड इस चीज को शायद से विंस मैकमैन ने मना कर दिया एंड ये फ्यूड हमें कभी भी देखने को नहीं मिला। तो गाइस, यही कुछ रिवील किया रिवाइवल ने अपने रिसेंटली हुए इंटरव्यू में कि रैंडी ऑर्टन के साथ अगर वो टीम नहीं बनाते देन वो WWE कब का छोड़ दिए होते एंड रोमन रेंस उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताने कि क्या आपको लगता है रिवाइवल एंड रोमन रेंस के बीच इंटरेस्टिंग फ्यूड देखने को मिल सकती थी एंड आप इस वीक के स्मैकडाउन में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।